ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए का रिलीफ, रवामा 33 करोड़ यूनिट्स की क्रेडिट एडजस्टमेंट। वजीरे दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया, 83 करोड़ यूनिट्स की क्रेडिट एडजस्टमेंट होगी। FIA ने लेस्को को 6 जून की डेडलाइन दे रखी है। खस्ता हाल बस अड्डों की हालत बेहतर बनाने का फैसला, वेटिंग एरिया, कैंटीन, वॉशरूम्स, टाइलिंग के काम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अरबों के फंड जारी, जिन्ना टर्मिनल, लाहौर लारी अड्डा और सिटी अड्डा पर 3 अरब रुपए खर्च होंगे। काबीना कमेटी बराए खजाना के इजलास में प्लान की मंजूरी। काश्तकारों के लिए खुशी की खबर, किसान कार्ड का आगाज, सालाना 300 अरब कर्ज मिलेगा। किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेगा। सरकारी दफातर के चक्रों से भी निजात, वजीरे आला ने मरियम की दस्तक ऐप का इफ्तिताह कर दिया। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज और तलाक सर्टिफिकेट में आसानी होगी। मोटरसाइकिल व्हीकल की मुंतकली, प्रॉपर्टी टैक्स, टोकन टैक्स की अदायगी आसान होगी। नुमाइंदा कार्रवाई के लिए दहलीज पर आएगा। पंजाब हुकूमत 100 अरब का मजीद कर्ज लेगी, आलमी बैंक समेत दीगर डोनर एजेंसी से कर्ज लिया जाएगा। कर्ज की रकम रोड, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स पर खर्च होगी। हुकूमत की शहरियों पर बोझ डालने की तैयारी, ट्रैफिक चालान की मद में 12 अरब जमा करने का हदफ। ट्रैफिक चालान और दीगर मामलात की मद में रेवेन्यू इकट्ठा होगा। रवान साल पुलिस ने 11 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया था। असलाह डीलर्स को नए लाइसेंस देने की तैयारियां, महकमा दाखिला ने हुकूमत से इजाजत मांग ली। 1986 से नए असलाह डीलर्स के लाइसेंस पर पाबंदी है। DCs को असलाह डीलर्स का स्टॉक और लाइसेंस चेक करने का भी हुक्म। थानों की सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने का फैसला, थानों की इमारतों पर मोर्चों, पकेट पिक्स पॉइंट पर बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल लाजिम करार। थाना मजंग, गुलबर्ग, बादामी बाग, ड्राइविंग सेंटर आबशार की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। कालादम तंजीमों की कुर्बानी की खालें जमा करने पर पाबंदी, महकमा दाखिला ने अहकाम जारी कर दिए। अवामी मकामात पर सिरिपा जलाने पर दफा 144 लागू होगी। ईद के दिनों में आरजी झूले भी नस्ब नहीं किए जाएंगे। बड़ी ईद की आमद, मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में व्यापारियों की आमद, एक से बढ़कर एक जानवर फरोख्त के लिए पेश। दूर दराज से आए व्यापारियों के लिए इंतजामात मुकम्मल, साफ पानी के लिए वाटर फिल्टर प्लांट भी लगा दिए गए। एक ईद गई दूसरी आ गई, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी ना आई, सस्ते आटे की फराह में भी मुश्किल का शिकार। सार्फिन को 10 किलो आटा 1500 रुपए में फरोख। ईद उल अज़हा से कबल गरम मसाला जात की मांग भी बढ़ गई, सब्स मसाला जात के दाम भी आसमान को छूने लगे। FBR की टैक्स का दायरेकार बढ़ाने की हिकमत अमली काम कर गई। RTO लाहौर ने 17,000 से ज्यादा अफराद को रजिस्टर्ड कर लिया। 5 बड़े शहरों से 31 लाख ताजरों की रजिस्ट्रेशन का हदफ मुकर्रर। इन्फोर्समेंट टीमों को मजीद रजिस्ट्रेशन के लिए टास्क दे दिया गया। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा, सलामतपुरा रूट का फिल्ट्रेशन प्लांट जवाब दे गया। शफीकाबाद बंद रूट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, नशई प्लांट के नलके चुरा कर ले गए। मरियम निषाद कॉलोनी में पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किल। पाक अरब सोसाइटी में अफसोसनाक वाकया, बिजली के हाई टेंशन तार घर से टकरा गए। घर में मौजूद 2 बच्चे करंट लगने से जख्मी। गुज़श्ता रात आने वाली आंधी तबाही की वजह बनी, कीमती सामान का भी नुकसान। हायर एजुकेशन के बजट में कटौती वापस लो, ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज अकेडमिक स्टाफ का एहतजाज। पंजाब यूनिवर्सिटी में एहतजाजी रैली निकाली, डॉक्टर अमजद मक्सी ने रैली की क्यादत की, मुतालबात के हक में नारेबाजी। गैर मियारी स्ट्रक्चर, गैर कानूनी बिल्डिंग्स पर एडवर्टाइजिंग, PHA ने VIP रोड्स, कंट्रोल्ड एरियाज का नक्शा बिगाड़ दिया। DGLGA का गैर कानूनी बिल्डिंग्स पर बोर्ड लगाने का नोटिस। उधर LDA सिटी में ग्रैंड ऑपरेशन, माफिया से 125 के नाले राजी वागजार करा ली। चिनाब रोड की तकमील के लिए गैर एक्वायर्ड शुदा एराजी का कब्जा भी हासिल कर लिया। अगवाकारों के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कामयाबियां, रायवंड से अगवा के बाद कत्ल होने वाले आसिम के मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए।
डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाब टाउन से अगवा होने वाली दो बहनें आजाद कश्मीर से बासयाब करा ली। खुफिया कैमरों से खातीन की नासेबा वीडियोस बनाने के वाकया, पुलिस मुकदमात में कमजोर दफात लगाकर मुल्जमान को रिलीफ देने लगी। दोनों मुकदमात में साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की दफात शामिल नहीं की गई। कमजोर दफात होने पर मुल्जमान की जमानतें मंजूर। सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन का केस, फौरी हुक्म इम्तनाई जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से 20 जून को तफसीली जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दद अफसरान के तकर्रर तबादले कर दिए। शाहिद महमूद को एडिशनल सेक्रेटरी महकमे खजाना लगा दिया। मोहम्मद अजहर हयात मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तायुनात, मुजाहिद अब्बास, खालिद अब्बास, मोहम्मद हसन तारिक, अजूबा अजीम और दीगर को भी जिम्मेदारियां तफवीज। मियां नवाज शरीफ से कतर के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा तालुकात पर बात। कतर के सफीर की मरियम नवाज से भी मुलाकात। पंजाब और कतर के दरमियान इक्तिसादी तालुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। किसान कार्ड के तहत काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन का आगाज, सूबाई वजीर आशिक हुसैन करबानी ने रजिस्ट्रेशन का बताया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू भी हमदा थे। सनतों का पहिया चलाना है तो शराय सूद कम करना होगी। मुल्क में ग्रेजुएट बढ़ रहे हैं और नौकरियां खत्म हो रही हैं। मौशी हालात बेहतर ना हुए तो मजदूर को दो रोटी के लाले पड़ जाएंगे। एप्टमा रहनुमा आसिफ इनाम, कामरान अरशद, असद शफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टैक्सों की भरमार, रियल स्टेट का कारोबार मुश्किलात से दोचार। रियल स्टेट तंजीमों का रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का मुतालिबा। मेजर रिटायर्ड रफीक हसरत, डॉक्टर कामरान फजल, मुबशर सईद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गर्मी के सताए ट्रैफिक वार्डन्स के लिए अच्छी खबर, वार्डन्स की 7 घंटे ड्यूटी, महीने में 5 छुट्टियां मिलेंगी। सीटीओ लाहौर उमर आथर का ऐलान, डिविजनल एसपी से मीटिंग में ट्रैफिक मसाइल पर बात। एसपी कैंट सोहेल फासिल, एसपी सिटी शहजाद खान, एसपी मुनीर हाशमी शामिल थे। कैदियों के लिए अच्छी खबर, खाने में चिकन कड़ाही, चिकन जिंजर और चिकन पुलाव और आलू अंडे मिलेंगे। जेलों में हफ्ते में 6 रोज चिकन फ्राहम किया जाता है। फूड अथॉरिटी की टीम खाने का म्यार चेक करेगी। पीआईए ने सऊदी अरब के किरायों में बड़ी कमी कर दी। सऊदी अरब के मुसाफिरों के लिए 30% डिस्काउंट का ऐलान। रियाज, दमाम, अलकसीम जाने वाले मुसाफिर फायदा उठा सकेंगे। मुसाफिर 10 जून से 18 जून तक सहूलत हासिल कर सकते हैं। उमर सुहेल जिया भट्ट की N127 में खुली कचहरी, लीगी रहनुमा ने टाउनशिप में शहरियों के मसाइल सुने। इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज, पोलियो टीम में घर घर कतरे पिलाने गई। लाहौर में 3,86,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। इंसदादे पोलियो मुहिम इतवार तक जारी रहेगी। 64 लाख बच्चों की जिंदगी को महफूज बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में सकाफती और माहौलियाती नुमाइश, तालिबात ने मुख्तलिफ लिबास, पेंटिंग, खत्ताती, मट्टी से बने बर्तन पेश किए। चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरीन ने नुमाइश का इफ्तिताह किया, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में समर कैंप का आगाज, समर कैंप में 47 जदीद कोर्सेज का इजरा कर दिया गया। रोबोटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज कराए जाएंगे। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के जरिए तमाम समर कैंप, 50 के करीब नौजवान पहलवानों की तरबियत। काला पहलवान, जहान खान पहलवान, आदिल भट्ट ने दाव पेट सिखाए। और पीसीबी इंटर क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप लीग मैच में फारान जिमखाना की फतह, हिजरा क्लब को 1 विकेट से शिकस्त। हिजरा जिमखाना क्लब ने 217 रन से बनाए, जबकि फारान जिमखाना ने 9 विकेटों पर हदफ पूरा कर लिया। फातेह टीम के मोहसिन रशीद की सेंचुरी।